Good morning, dear students. Welcome back in your computer class. Today, I am going to discuss about network topologies of chapter 1, which is networking concepts. In network topologies, first of all, we should know about topology. Topology means the layout pattern in which various computers are connected together to form a network. Topology एक ऐसा माध्यम है जिससे पता चलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर किस तरह से जुड़े गए हैं. The computers on a network are also referred to as nodes. जितने भी कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ते हैं उसे नोड्स भी कहा जाता है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज. फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी, सेकेंड रिंग टोपोलॉजी, थर्ड स्टार टोपोलॉजी एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज मेस टोपोलॉजी. फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल कॉल्ड बस. बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं वो एक सिंगल केबल से जुड़े हुए होते हैं जिसे हम लोग बस कहते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेवल्स थ्रू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ द डायरेक्शंस. जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड कैन बी रिसीव बाय ऑल द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क. और सारे कंप्यूटर इसे रिसीव कर सकते हैं. इफ द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज दैट ऑफ द इंटेंडेड रिसिपिएंट इट एक्सेप्ट द डेटा, अदरवाइज द डेटा इज रिजेक्टेड. इस तरह के टोपोलॉजी में कोई एक सिस्टम के द्वारा सूचना भेजी जाती है और उसे दूसरे सिस्टम एक्सेप्ट करता है तो ही डाटा का ट्रांसमिशन हो पाता है, अदरवाइज वो डाटा रिजेक्ट हो जाते हैं. जैसे आप इन जनरल फ़ोन में चेक कर सकते हैं, जब आप ब्लूटूथ से कोई भी चीज़ भेजते हैं तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होते हैं. सेंडर फाइल को सेंड करते हैं और रिसीवर उसे एक्सेप्ट करते हैं, देन आफ्टर वो फाइल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो पाता है. जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी एक कंप्यूटर डाटा को भेजने का काम करता है और दूसरा कंप्यूटर उसे रिसीव करने का काम करता है जिसे हम रेसिपिएंट बोलते हैं. द एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट इट इज क्वाइट ईजी टू सेटअप. कंप्यूटर नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का पैटर्न काफ़ी आसान है. इसमें सारे कंप्यूटर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं. अ नेटवर्क कैन नॉट फंक्शन, नेटवर्क फंक्शन नहीं करेंगे इफ देयर आर ब्रिक्स इन बस. अगर बस में कोई ब्रेकेज आ जाती है तो ये टोपोलॉजी और ये नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर देंगे. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम बस बोलते हैं, और जितने भी ये सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे नोड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसे बस में सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं ऐसे ही सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी. इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर्स इज कनेक्टेड टू टू अदर कंप्यूटर्स सो एज टू फॉर्म अ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी हियर दिस इज द कंप्यूटर कनेक्टिविटी विच फॉर्म्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी.
इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर एटलीस्ट दो कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे, एक फॉरवर्ड कंप्यूटर एक बैकवर्ड कंप्यूटर से। इन दिस टोपोलॉजी द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। इस तरह के टोपोलॉजी में डाटा का ट्रांसमिशन वन डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। द डिसएडवांटेज ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज दैट द ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन कंप्यूटर ऑन अ रिंग कैन डिसेबल द इंटायर सिस्टम और नेटवर्क। अगर कोई एक सिस्टम इस सेटअप में काम करना बंद कर दे तो कम्प्लीटली नेटवर्क जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, मीन टू से कि इसमें डाटा का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ऑल कंप्यूटर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर कोई एक डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा, इंफॉर्मेशंस एक दूसरे जगह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। ये सारा का सारा अरेंजमेंट है। रिंग टोपोलॉजी में आपका रिंग का फॉर्मेशन होगा, बस टोपोलॉजी में बस लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। एंड नेक्स्ट वन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल कंप्यूटर से, जिसे हम लोग सेंट्रल नोड भी बोलते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, एज यू कैन सी हियर, अ सेंट्रल नोड इज कनेक्टेड विथ ऑल द अदर कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब आते हैं इसके डिफिनेशंस पे, अच्छे से समझिए। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर और सेंट्रल नोड, सारे कंप्यूटर सेंट्रल से जुड़े हुए होंगे। द डाटा इज टू बी एक्सचेंज्ड बिटवीन एनी टू कंप्यूटर्स पासेस थ्रू द सेंट्रल नोड। जितने भी डाटा का ट्रांसमिशन होगा वो सेंट्रल नोड के थ्रू ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी दूसरे सिस्टम को भेज दे। सबसे पहले वो सेंट्रल नोड के पास भेजेगा, सेंट्रल नोड फिर उसे रिसीवर के पास भेजेगा। इस तरह से डाटा का ट्रांसमिशन होगा। सपोज ये फर्स्ट वाला सिस्टम थर्ड वाले को भेजना चाहता है तो फर्स्ट वाला पहले सेंट्रल वाले को भेजेगा, सेंट्रल वाला फिर उसे थर्ड वाले सिस्टम को भेजेगा। द सेंट्रल नोड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द नोड्स। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जुड़े हुए इस सिस्टम में, इसमें सारे कंट्रोल कौन करते हैं, सेंट्रल नोड करते हैं। मोर कंप्यूटर्स कैन बी ईजिली एडेड टू द नेटवर्क, और बहुत सारे कंप्यूटर इसमें आसानी से जुड़े जा सकते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कंप्यूटर्स एक्सेप्ट द सेंट्रल नोड डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। सेंट्रल नोड के अलावा अगर कोई और सिस्टम खराब होता है तो इसका असर बाद बाकी सिस्टम पे नहीं पड़ता है। अगर सेंट्रल नोड डैमेज हो गया तो इसकी फंक्शन कम्प्लीटली रुक जाएगी और डाटा का ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। तो सेंट्रल नोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार टोपोलॉजी। द फेल्योर ऑफ सेंट्रल नोड डिसेबल द कम्युनिकेशन अक्रॉस द इंटायर नेटवर्क। ऑब्वियसली अगर सेंट्रल नोड खत्म हो गया तो इसके सारे के सारे क्या होंगे, सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट वन इज मेस टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं मैश टोपोलॉजी में। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स। मैश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। काफ़ी महंगा होता है मैश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें ईच कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं अदर कंप्यूटर्स से, तो एक्सपेंसिव होना ही है। नॉर्मली पार्शियल मैश टोपोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड इन विच अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ फ्यू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। जनरली हम लोग पार्शियली मेस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। पार्शियली मेस टोपोलॉजी में कुछ ही कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो हर एक कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, बाद बाकी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एज यू कैन सी हियर। एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑफ ऑल टॉपिक विल बी डिस्कस्ड in the next video session. Okay, thanks for watching.